नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हिप यूट्यूब चैनल और मैं हूं जी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा जो है एक ऐसा ट्रेनिंग चलाया जा रहा है जिसमें आपको 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ में दोस्तों 1000 रुपया जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और उसके साथ दोस्तों आपको जो है सरकारी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में दोस्तों आप जो है स्कॉलरशिप होता है वो 1000 रुपया मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है इससे क्या होगा कि आपको जो है रोजगार वगैरह में जो है काफी हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे इस ट्रेनिंग में जो है कौन कौन सा जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिस्ट भी जारी किया गया कि कौन कौन सा अवेलेबल है और साथ में इसको कैसे कर सकते हैं, क्या डेट है, तमाम जानकारी डिटेल्स में बताने वाले हैं और कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है या कोई भी है तो आप इस चीजों को सीख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री में है और कोई भी चीज सीखना दोस्तों आपको पता ही है कि काफी भविष्य में जो है आपके रोजगार के लिए फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो फाइनली दोस्तों इस ट्रेनिंग के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे www.biharhelp.in के वेबसाइट पे चलेंगे डायरेक्टली इस वाले पोस्ट पर। अब इस वाले पोस्ट पर आने के बाद हर एक जानकारी इसमें बताया गया, इसको लेकर विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे जो कि आपके डिस्प्ले पे इस तरीके से दिखलाई दे रहा है। चलिए जो मेन बातें हम आपको बता देते हैं, अब बाकी की जो बातें हैं यानी कि नोटिफिकेशन के माध्यम से हम बताएंगे और कहां से आपको आवेदन करना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लेती है इसको लेकर बताया गया है आर्टिकल का प्रकार दिया गया है, कुल रिक्त पदों की संख्या की जो बात किया गया 400 सीट रखा गया है और आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और अंतिम तिथि जो बोला गया है 19 दिसंबर 2023 तो इसके लेकर अंतिम तिथि रखा गया है 19 दिसंबर से पहले आपको आवेदन कर लेना है। ये तो बात आपने समझ लिया। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले बात कर लीजिए किस शाखा में यानी किस ट्रेनिंग यानी किस ट्रेड में कितना सीट रखा गया है। तो यहाँ पे बताया गया शुद्ध बुनाई के यानी 20 सीट रखा गया है, सिक्की कला के 20 सीट रखा गया है, मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए 50 सीट रखा गया, टिकली पेंटिंग के लिए 25 सीट रखा गया। इस तरह का जो सीटों की संख्या यहाँ पे आपको दिखलाई देगा, आप अपने तरफ से समझ लीजिए आपको कौन सा करना है और कितना सीट खाली है। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर यहाँ से हर एक जानकारी इसमें बता देगा, अच्छी तरह समझा देगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसको लेकर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्विक लिंक का ऑप्शन आपको दिखलाई देगा जहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके अभी लिंक इसका एक्टिव नहीं किया गया, फिलहाल आने वाले समय में एक्टिव कर दिया जाएगा। तब तक चलिए हम नोटिफिकेशन का आपको बता देते हैं कब से इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन बताया गया है। जिस इस पर क्लिक करेंगे तो इसको लेकर जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ बताएगा उद्योग विभाग उपेंद्र महारती शिल्प अनुसंधान पटना, ठीक है। जो भी आपका ट्रेनिंग होगा यानी पटना में ही होगा जो कि हस्तलिप में निःशुल्क प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर। इसके लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, कहीं पर भी आपको 1 भी रुपया नहीं देना, बल्कि आपको ही पैसा मिलेगा। अगर आप जितना दिन ट्रेनिंग करते हैं तो आपको उसके लिए पैसा मिलेगा। बात किया गया बिहार सरकार उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन उपेंद्र महारती शिल्प अनुसंधान संस्था पाटलिपुत्र पटना इतना दिया गया, संचालित होने वाले निम्न परंपरागत हस्तलिपियों में 6 माह यानी जो भी आपका ट्रेनिंग होगा ट्रेनिंग का जो होगा अवधि होगा 6 माह के लिए होगा जो कि निःशुल्क प्रशिक्षण होता है यानी युवक युवतियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लड़का लड़की सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बारे में समझ लेगा जो भी हमने आपको बताया कि शाखा का नाम और प्रशिक्षकों की संख्या कितना दिया गया, तो टिकली पेंटिंग के लिए 25 जो कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं टोटल सीट 400 दिया गया है, समझ गए। और बात कर ले इसको लेकर जो पात्रता है विशेष आकर्षण क्या क्या मिलने वाला है वो भी आप समझ लीजिएगा। इसमें विशेष आकर्षण में बताया गया है निःशुल्क प्रशिक्षण एवं निःशुल्क प्रशिक्षण सामग्री दी जाएगी, ठीक है। जो भी आप ट्रेनिंग करेंगे ट्रेनिंग के दौरान जो भी सामानों की जरूरतें पड़ेगी वो आपको निःशुल्क दी जाएगी कि लीजिए आप इससे काम करिएगा और सीखिएगा। आपको प्रतिमा 1000 रुपया भी छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इसमें सीखेंगे ट्रेनिंग लेंगे उनको प्रतिमा 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, लेकिन इसका कंडीशन भी है कि 1000 रुपया कौन से समय में आपको मिलेगा ये भी आप जान लीजिएगा। या ना कि आप एडमिशन करा लिया ट्रेनिंग करने जा ही नहीं रहे तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको उसके लिए उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है, उसके समय आपको मिलेगा। बात किया गया आप समझने वाली बात यहाँ पे बताया गया पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर के 110 महिला प्रशिक्षकों को छात्रावास आवंटित होने की स्थिति में भोजन एवं अल्पहार हेतु प्रति माह 1500 रुपया अलग से दी जाएगी, ठीक है। अगर आप पटना नगर निगम से क्षेत्र से बाहर से हैं, अगर 110 महिलाएं जो कि प्रशिक्षकों के छात्रावास के आवंटित होने की स्थिति में उनको अलग से यानी 1500 रुपया दिया जाएगा खाने को लेकर, ठीक है। छात्रावास तो उपस्थित होगा ही होगा लेकिन 1500 रुपया आपको अलग से दिया जाएगा। कौन से कंडीशन में पटना नगर निगम क्षेत्र से अगर आप बाहर से आते हैं अलग से आते हैं पटना से ना रहकर अलग से आते हैं तो आपको लाभ मिलेगा।
साथ साथ ये तो हो गया महिला का। पुरुष के बात किया गया, पुरुष परीक्षार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपको आना जाना पड़ेगा। इसके लिए आप समझ लीजिएगा, पुरुष परीक्षार्थियों के लिए आवास की सुविधा नहीं उपलब्ध है। बात किया पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर के पुरुष परीक्षार्थियों के लिए आवासीय एवं भोजन आदि के हेतु उपस्थित के आधार पर प्रति माह यानी कि 2000 रुपया आपको दी जाएगी, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट है यानी आप पुरुष है लेकिन पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर से हैं, आप दूर से आते हैं तो आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आवासीय एवं भोजन को जोड़कर आप उपस्थित अच्छी तरह से होते हैं तो आपको 2000 रुपया प्रतिमा दिया जाएगा, ठीक है। आपको भोजन के लिए और प्रशिक्षणियों के लिए, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो अपना पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर से आते हैं तो उस समय आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और पात्रता इसमें क्या क्या रखा गया है कि आप कौन कॉम्पिटिशन में कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदक आवेदिका का शैक्षणिक योग्यता सप्तम वर्ग उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम अगर आप 7वीं पास है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं तो सभी लोग बिहार में लगभग आने के कैंडिडेट जो भी आजकल के हो रहे हैं मैट्रिक पास ही हो रहे हैं, तो अगर आप कम से कम 7वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो। उम्र आवेदक आवेदिका की आयु सीमा की बात करें तो 16 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जो भी आपका उम्र है 16 और 40 के बीच में होना चाहिए। जो भी आयु की आपका गणना की जाएगी 1/1/2024 से किया जाएगी कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। संस्थान में पूर्व वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आवेदक आवेदिका को चयन किया जाएगा परंतु कोई लाभ दिया नहीं जाएगा। अगर आप पहले से भी कोई ट्रेनिंग कर लिया, जैसे मान लीजिए टिकली पेंटिंग का ट्रेनिंग आप पिछली बार, ये हर साल आता है, अगर पिछले साल आप कर लिए हैं तो आप इस बार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी पेमेंट की बात है यानी 1000 रुपये छात्रवृत्ति की बात है आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, परंतु कोई लाभ दिया नहीं जाएगा, ठीक है। आपको आवेदक आवेदिका का चयन तो कर लिया जाएगा, संस्था में पूर्व से प्रशिक्षण कर चुके आवेदक आवेदिका को चयन किया जाएगा परंतु कोई लाभ दिया नहीं जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा। समझ लीजिए लाभ इसमें क्या मिल रहा है, 1000 रुपया ही मिल रहा है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अब ये बात समझ ले, आवेदक जो भी इसका चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप प्रशिक्षु के चयन पर योग्यता के प्रमाण पत्र के जांच के आधार पर होगा, ठीक है। मान के जो भी आपका कहाँ तक आप पढ़ाई की है उसी समय आपको जो भी बताया गया प्रायोगिक प्रशिक्षण का चयन जो होगा प्रायोगिक और चयन योग्यता के प्रमाण पत्र के जांच के आधार पर किया जाएगा, जो कि दिनांक 21 दिसंबर 2023 के पूर्व 10 वर्ष से होगा, ठीक है। मानी इसको लेकर जो भी है 21 दिसंबर 2023 को होगा। और संस्था में संबंधित शाखाओं को आवेदक आवेदिका के प्रायोगिक साक्षात्कार परीक्षा ली जाएगी, जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे कुछ अगर आप किए होंगे पहले से उसका भी ट्रेनिंग लिया जाएगा, जिसमें सभी प्रमाण पत्र यथा आवासीय आधार कार्ड शैक्षणिक प्रमाण पत्र के मूल प्रति छाय प्रति आपको कॉपी के साथ उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किस दिन, 21 दिसंबर 2023 को 10:30 बजे से होगा। चयनित परीक्षार्थियों का परीक्षण सत्र अब 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ की जाएगी, जो कि विशेष जानकारी इस वेबसाइट पे है, यानी जो भी आपका ट्रेनिंग का है वो 1 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी 2024 से। आवेदक आवेदिका बिहार का निवासी होना कोई प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। आवेदक आवेदिका का बिहार का निवासी होने का कोई प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19 दिसंबर 2023 से स्वीकृति की जाएगी, ठीक है। जो भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है 19 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। अब आपको ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है, तो फिर से उसी वाली वेबसाइट पाएंगे तो जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, देख सकते हैं आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के यहाँ से लिंक दिया गया, देख सकते डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो भी है ओपन हो जाए, जहाँ पे इस तरीके से फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म अच्छी तरह से भर देना है और आपको डेट जो बताई दी है किस डेट को आपको जाना है, जैसे ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे तो यहाँ से बता दिया गया है कि कौन से डेट को, तो यहाँ देख सकते बताया गया 21/12/2023 पुरान 10 वर्ष से इसका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो भी है इसमें बताया जाएगा कि आप चयन हुए हैं नहीं हुए हैं, तो आपको जाना ही पड़ेगा कहाँ पे इसमें बता दिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और भी डिटेल्स चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या इसमें जानकारी दिएगा, पूरा हर एक जानकारी हिंदी भाषा में बताएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।